हेलो वेलकम बैक। आज हम खेल रहे हैं पावर वॉश सिमुलेटर, जहाँ पर हमारा काम है लोगों की गाड़ियां धोना, घर धोना, बंगला धोना, पार्क धोना, पता नहीं और क्या क्या जो चीज सामने आए उसे धोकर बिल्कुल चमचमा कर न्यू जैसा करना, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का नेटफ्लिक्स वॉशिंग सेंटर में। तो यहाँ पर है अभी चार मोड, ये है करियर, स्पेशल, चैलेंज मोड और फ्री टू प्ले। अभी हम फिलहाल में जा रहे हैं करियर में, क्योंकि ये वाली गाड़ी ना मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है और ये गाड़ी धोने के अपने को मिल रहे हैं पूरे के पूरे $150। अभी हमारे पास में एक भी रुपए नहीं है, ना ही अपने पास में भारी वाले कुछ इक्विपमेंट्स है, तो हम पैसे कमा कमा कर ही सारी चीजें करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर जाकर $150 में। मैं तो यहाँ पर 60-70 रुपए समझ रहा था, मगर $150 मिल रहे हैं गाड़ी धोने के। सोचो गाड़ी धो धो कर ही हम कितने ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अगर रोज की हमने सिर्फ दो गाड़ी धोई और $300 कमाए, तो करीब करीब हमने 18,000 से 20,000 के ऊपर तो पैसे कमा लिए भाई। व्हाट, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, जाकर वहाँ गाड़ियां धोऊंगा, पैसा कमाऊंगा काफी ज्यादा। अच्छा चलो तो करते हैं अब यहाँ से हम स्टार्ट जॉब। और हम आ चुके हैं यहाँ पर। ओके भाई साहब, ये तो एक क्लिक में पानी स्टार्ट हो चुका, ठीक है। और इससे हम रोटेट कर सकते हैं। और क्या है ये सारी पिचकारी है, नोजल वगैरह है। इसके अलावा और क्या ये है नोजल? तो अच्छा, तीन तरह के अलग अलग नोजल है हमारे पास में। ओके ये तो सच में काफी सेटिस्फाइंग है गाड़ियों को ऐसे धोना। तो एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक लाइन बनाए। भाई आवाज बहुत ज्यादा तेज हो रही है। $1 अभी तक हमने बना भी लिया। चलो सारी चीजें अब सेट है, यहाँ से हम पिचकारी बदल सकते हैं। ओके अभी फिलहाल में बहुत बेसिक वाली है हमारे पास में पिचकारी, बट धीरे धीरे करके हम अपनी पिचकारी को अपग्रेड कर लेंगे, ताकि हम काफी ज्यादा स्पीड से फिर गाड़ियां धो सके। तो भाई ये तो सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। गैस स्टेशन सिम्युलेटर में ही हम जब गाड़ी धोते हैं तो काफी ज्यादा बढ़िया मजा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये तो पूरा ही गेम धोने धुलाने से रिलेटेड है। और एक एक चीज़ अपने को ना बारीकी से चेक करना है। अच्छा ये जो साउंड कर रहा है उसके बाद में पता लग रहा है कि चीज़ क्लियर हो चुकी है, एक सेक्शन को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो एक काम करते हैं, बारी बारी ना हम पूरे, एक काम करता हूँ, इसको क्या मैं मोड़ सकता हूँ? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ शायद से, या नहीं कर सकता। और ये 40 डिग्री वाली कौन सी नोजल है, एक बार ये लगा कर चेक करता। ओहो इसमें हम एक साथ में पूरा का पूरा ना, मतलब ज्यादा चौड़ा हिस्सा हम एक साथ धो सकते हैं, मगर उसमें हो रहा ये है कि अब बीच की बहुत सारी चीजें छूट रही है और मैं वो नहीं चाहता। एक काम करते हैं, जीरो वाला अगर चेक करेंगे। ओ भाई, जहाँ पर जिद्दी जंग लगा हुआ होगा उधर का एरिया हम ये वाली पिचकारी से साफ करेंगे। भाई ये तो कांच तोड़ सामने वाले के घर में पानी मारेंगे हम। चलो एक काम करते हैं, ये वाले नोजल नहीं, जो नॉर्मल वाला नोजल था ये अभी फिलहाल के लिए अपने लिए सही है, ठीक है। एक 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 सेक्शन हम क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते, कोशिश करेंगे आज हम ना अपनी पिचकारी को कम से कम अपग्रेड कर ले। और इधर निशान दिख रहा है, बट ये बता रहा है कि क्लियर हो चुका। क्या ये पानी का निशान है? ना 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 ना, है भाई इधर निशान है, काफी सारे दाग धब्बे लगे हुए हैं यहाँ पर। चलो पीछे का तो क्लियर हो गया, बस ये वाला सेक्शन बचा हुआ है। और मैं ऐसे ऐसे करके ना पूरा ही एक झटके में कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ में ये हम पूरा टायर से लेके हर एक चीज को साफ कर दे। वैसे ये हमारी गाड़ी है, ये किसी क्लाइंट की नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पावर वॉश सर्विसेस लिखा हुआ है। तो इसी गाड़ी में बैठकर हम फिर लोगों के वहाँ जाएंगे चीजें को धोने के लिए। ओ भाई ऐसे से साफ कर रहा हूँ, देख रहे हो कितनी स्पीड से काम हो रहा है। अभी तो उतनी ज्यादा बड़ी पिचकारी है भी नहीं, अपनी छोटी पिचकारी में इतना हम तहलका मचा रहे हैं। चलो ये काज भी हो चुकी क्लियर, और देख रहे हो यहाँ से गाड़ी कैसे लग रही है और यहाँ से कैसे लग रही है, यहाँ से तो पूरी शोरूम हो चुकी। ओ टायर का निशान छूट गया था क्या? और हमने अभी तक $15 बना लिए है, करीब करीब $15 बना लिए है, बट यहाँ पर ना अभी भी कुछ ऐसे निशान बने हुए है। और यस ये निशान जो दिख रहे हैं ये सच में साफ करने से, अब हुआ ना भाई, अब बढ़ रहे हैं ना अपने पैसे, मैं वही तो सोचूं। ओ भाई इधर नीचे साइड का तो मैंने देखा ही नहीं था, नीचे साइड से भी अगर साफ करना हो अपने को, पूरा जमीन पे बंदा लेट जा रहा है, अगवाड़े पिछवाड़े हर जगह से अपने को क्लियर करना है। तो एक काम करते है, पहले फ्रंट की कांच क्लियर करते है, ठीक है, पहले कांच क्लियर करेंगे उसके बाद में पीछे साइड में चलते है। और मेरे को ना एक चीज ये करनी, मेरे को जो अपना नोजल है उसको रोटेट करना है, और आर से रोटेट होता है। अरे भाई इतना इजी था। चलो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दिया है, सामने का भी एरिया क्लियर हो गया, इधर का भी हो गया, बस ये टायर वगैरह हर एक चीज अपने को अच्छे तरीके से साफ करने है।
एक एक लाइन में काम करेंगे हम एकदम बढ़िया वाला, और पैसे बढ़ते जा रहे। इतना सारा मैंने सफाई कर लिया, अभी तक $28 ही मिले हैं अपने को। कौन सी चीज़ ऐसी है जो छूट रही है? इधर चेक करेंगे भाई, सामने तो कितना ज़्यादा गंदा है। पहले काम करता हूँ मैं, बोनट पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ, उसके बाद में इधर साइड का एक बार चेक करेंगे। टायर तो जस्ट अभी टिंग करके आवाज़ आई क्लियर होने की, एक बार नीचे लेट करना हम चेक कर ही लेते हैं इधर से। और अंदर का भी हम पूरी तरीके से क्लियर कर, ओ भाई बहुत ज़्यादा गंदा है अंदर का भी। नीचे का भी क्लियर हो गया, इधर साइड का भी क्लियर हो गया। अब बची है ये पूरी की पूरी कांच, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से ना, एक काम करता हूँ इसका ना नोजल का मुंह चेंज कर दूँ। बारीक पिचकारी अगर कर लिया उससे तो फटाक से एक ही सेकंड के अंदर साफ हो जाएगा ना। रुक जाओ मैं लेता हूँ ये 40 वाली नहीं 0 वाली लेते हैं पिचकारी। इससे देख रहे हो यहाँ से खड़े खड़े जो कॉर्नर्स है, ये पूरे के पूरे कॉर्नर एक झटके में साफ हो जाएंगे। और कुछ छूट रहा है हमसे? एक बार चेक कर रहे हो भाई, ये कॉर्नर में छूट रहा है। चलो ये भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया, टायर भी क्लियर। टायर ये साइड से भी अपने को साफ करने थे, इधर से तो पूरे के पूरे टायर छूट गए थे भाई। चलो इधर का भी ऑलमोस्ट डन। ऊपर साइड का एक बार चेक करेंगे, ऊपर साइड से तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ से मेरे को गंदगी दिख रही है। यस अब हुआ है ये पूरा टायर साफ 100%। उसके बाद में पीछे साइड के टायर तो हमने क्लियर कर लिए थे, इधर साइड से कुछ छूट रहा है। ओहो इधर का कुछ छूट गया था भाई, ये साइड से अपने को टिंग वाली आवाज़ आई नहीं। रुक जाओ मैं काम करता हूँ इधर साइड का। ओ मिरर छूट गया है ना भाई, मिरर को हमने छोड़ दिया है। अब टिंग वाली आवाज आई है, इधर साइड का भी मिलियल टा बोल रहा हूँ, मिरर बोलते हैं उसे, मिरर। अब ऐसे सेटिस्फेक्शन वाला साफ करेंगे, बट उससे पहले अपने को करना पड़ेगा नोजल को चेंज, तब जाकर मजा आएगी। और यहाँ पर जस्ट मेरे को अभी एक मेल आया, मेल है या फिर क्या है? यू गोना गो विद द बिजनेस नेम और डू यू नीड टू थिंक अप? जो बिजनेस है वही रहने देते हैं, या फिर तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं अपने बिजनेस का नाम क्या रखूँ, तो फिर हम उस हिसाब से अपने बिजनेस का नाम रखेंगे, ठीक है? वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यार गाड़ी हमने पहले कैसी रखी थी और अभी हमने गाड़ी को साफ करके कैसे कर दिया, देख रहे हो बिल्कुल न्यू हो चुकी है, बस बचा है टब। तो एक काम करते हैं इसके ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से ना ऐसे साफ करेंगे। ओहो भाई साहब, एक काम करता हूँ ना इसको रोटेट करता हूँ और ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट चलने देता हूँ, ठीक है? ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट सही रहेगा। ये गेम जिसने भी बनाया काफी ज्यादा बढ़िया बनाया, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ इस गेम को खेलने का, बट मैं खेल ही नहीं पा रहा था, तो सोचा आज इस गेम को खेलते। कभी कभी दिल करता है चिल वाले गेम खेलने के लिए। और यस भाई अभी भी बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 99% क्लीन हुआ है, 1% अभी भी बचा हुआ है। वो 1% में ऐसी कौन सी चीजें जो हमसे छूट गई हैं? अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। और दिख गया ये साइड में 1% का। चलो इधर का हो गया क्लियर, ये लाइट बची हुई थी ना, लाइट को हम भूल गए भाई। पर टिंग वाली आवाज आई नहीं मेरे को अभी तक। इतना हमने पूरा साफ कर दिया, एक बार फिर से चेक करता हूँ, इधर साइड का तो नहीं है। ओ इधर भी बैक साइड का है, चलो ये वाला क्लियर। इधर साइड का इधर से भी क्लियर, इधर साइड से एक बार चेक करते हैं। अभी भी कितना मतलब, एक सेकंड रुको, नोजल लेता हूँ बारी पिचकारी वाली, आप बताते रहे, लाइट तोड़ दूंगा मैं। बस ये गाड़ी हमारी है, हमें नुकसान नहीं करना अपना। चलो यहाँ का तो हो गया, इधर साइड का भी हो गया, और कुछ बचा हुआ है क्या? चलो कांच बची हुई थी अभी भी भाई, और पीछे की कांच तो हमने क्लियर कर दी थी, ये लाइटें भी पीछे के क्लियर कर दिए थे। और कुछ छूट रहा है इधर से? एक बार चेक करते हैं ना, 100% हुआ है ना, 99 पर ही फंसा हुआ है। कौन सी चीजें ऐसी जो छूट रही है हमसे? यस लाइट के नीचे का एरिया बचा हुआ था। चलो हमने कर लिया इसको क्लियर, अब चलते हैं हम अपने टैबलेट में। ये रही हमारी गाड़ी, और इसको हमने कैसे क्लियर किया भाई? वाह 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 वाह, देख रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हमने पूरी गाड़ी को चमचमा दिया। ये तो हुआ हमारा पहला टास्क, ये तो हमने कमा लिए ₹150। अब अपने को चलना है यहाँ से दूसरी ओर, क्लीन द बैक गार्डन, जिसके लिए अपने को ₹450 मिल रहे हैं। हे डॉग आई होप यू लाइक अ चैलेंज, कॉज आई एम प्रीटी श्योर आई हैव गॉट द डर्टीएस्ट बैकयार्ड यू हैव एवर सीन। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा बड़ा बैकयार्ड है, बट इसके लिए अपने को पैसे भी तो मिल रहे हैं ना। चलो जा रहे हैं हम साफ सफाई करने के लिए, ₹450 हम मतलब आज काफी सारे पैसे कमाएंगे, तो शुरुआत कहाँ से करें अब हम इसकी?
तो एक काम करते हैं, पहले ना हम ये दीवार से शुरुआत करते हैं, ठीक है? एक बार चेक कर लेंगे भाई साहब, पूरे पार्क में देख रहे हो कुछ ज्यादा ही गंदा पार्क है। पता नहीं किसका पार्क है, या फिर हो सकता है बहुत जमाने से पड़ा हुआ है ये, ठीक है? तो एक एक करके क्लियर करते हैं हम ये वाले सेक्शन। जो पहले दीवार है वो 100% ना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम ही कंफ्यूज होते रहेंगे। ऐसे साफ करूंगा तो ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा। ऊपर का तो एरिया हो गया क्लियर, बस बचा है नीचे का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था आधा एक घंटा लग जाएगा इसको साफ सफाई करने में, बट इसके अंदर ना अपना काम हो जाना चाहिए। मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर हम ये पूरे के पूरे पार्क को कर देंगे साफ। ये वाली दीवार हो गई है क्लियर, अब बची है ये वाली दीवार। ऐसे क्रॉस में लेके चल रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रेट में ना थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ये ज़्यादा सही है, तो अपने को अभी इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। ये वाले नॉर्मल वाले पानी से अपना ना पूरा का पूरा काम हो जा रहा है, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। वरना अभी स्टार्टिंग में ही अपने को हर एक चीज़ खरीदनी पड़ती तो फिर समस्या हो जाती ना भाई। मगर उससे पहले एक चीज़, क्या तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है? क्यों नहीं कर रहे हो मेरे को एक चीज़ बताओ, दिक्कत क्या है, हैं? क्या परेशानी क्या है? इस चैनल पर मैं रेगुलर वीडियोस लाता हूँ, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता हूँ, नई नई सीरीज लाता हूँ, वॉक थ्रू लाता हूँ, गेम प्ले लाता हूँ, पता नहीं हर एक चीज़ लेके आता हूँ, बट 44% लोगों ने जो चैनल के वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया भाई, ये गलत बात है। चलो तो ये दोनों की दोनों दीवारें हो चुकी है कम्प्लीट, बचा ये वाला सेक्शन, इसको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? और जो एंड में ये प्रीव्यू दिखाया ना भाई, वो बहुत बढ़िया वाला दिखाया है। जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, हर एक चीज का हमने एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया, वो देखकर अच्छा लगा काफी ज्यादा। हर एक चीज ना ये डंडे के कोने कोने अपने को एकदम बढ़िया तरीके से साफ करने, देख रहे हो एक एक डंडे को अपने को साफ करना है। ये कॉर्नर में भाई साहब, ये कॉर्नर में गंदगी देख रहे हो कितनी ज्यादा है। मगर इधर की समस्या ये कि मैं यहाँ से आ सकता हूँ भाई, चलो आ सकता हूँ। इतने कोने में है ये कि अपनी नज़र भी ना पड़े इधर साइड में। ऊपर साइड का हो गया, इधर का हो गया, इधर का बचा हुआ है, और इधर साइड में काम करता हूँ। या स्क्रोल व्हील से ही हम पिचकारी का मुँह चेंज कर सकते हैं, टेंशन ही नहीं। चलो ये इधर का कर दिया, ऊपर के डंडे को भी थोड़ा सा हाई पावर का प्रेशर मार के उसे पूरा नीट एंड क्लीन कर देंगे। पूरे पार्क में से अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 5% काम कंप्लीट किया है, बाकी का पूरा पार्क एज इट इज अगर देखोगे तो रखा हुआ है, बचा हुआ है। इसको साफ करना है कि नहीं करना? इसको साफ नहीं करना, अब बची है ये पूरी की पूरी जमीन। तो एक काम कर दो, पहले ना मैं ये वाले एरिया को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? ये छोटे मोटे पत्थर है तो इसका इतना टेंशन होगा नहीं। और इसका प्रेशर ना मैंने थोड़ा सा, मतलब जो नोजल था उसको मैंने बढ़ा दिया हुआ, और ऐसे ऐसे करके साफ करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? पहले बॉर्डर जो है, ये वाली जो बॉर्डर है इसको हम साफ करते हैं, ठीक है? इसकी एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलो ये वाला पाथ हो गया है क्लियर, बस बचा हुआ ये वाला ना। तुम टेंशन मत लो, तुमको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं हर एक काम ना सेटिस्फेक्शन वाला ही करता हूँ। चलो ये भी हो गया ऑलमोस्ट पूरा, बस बचे हुए हैं पत्थर, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे फटाफट से। ये भी हो गया, ये भी हो गया। पीछे वाले पत्थर की टैंग टैंग आवाज नहीं आई थी ना, अब आई है उसकी आवाज। ये दोनों पूरा 100% क्लियर। जब तक टैंग टैंग आवाज ना आए ना, हम आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि फिर बाद में हम ना परेशान हो जाएंगे, और ये पार्क इतना बड़ा है कि हमें बाद में समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सी जगह हमने छोड़ दी है, क्योंकि कार में ही हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। ये तो इतना बड़ा पार्क है, इसको साफ करने में तो भाई बहुत ज़्यादा देर लगेगी, और हम भूल भी जाएंगे कि कौन सी जगह पे हमने चीज़ें छोड़ी है। और इतने बड़े पार्क में बारीक वाली जगह पर भी ना चीज़ें छूट गई, निशान छूट गया एक भी, तो अपने को बाद में वो मिलेगा नहीं। चलो पूरे के पूरे पत्थर क्लियर, ये वाला पार्क हो चुका है क्लियर, पार्क नहीं सॉरी पाथ, ये भी डन। और कुछ बच रहा है, वो छूट रहा है सॉरी, ना कुछ भी नहीं है। ये वाला बचा हुआ है ना, इसको भी एक काम करते हैं, इतना एरिया भी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है? वैसे क्या ये लकड़ी खराब नहीं होगी, इसे हमने पानी से धो दिया तो? खैर अपने को पैसे से मतलब, बाकी ओनर देख लेगा उसका। तो हमने ऊपर का ये वाला पाथ साफ किया, तो इधर नीचे का छूट गया, तो मैंने सोचा कि नीचे उतर के ये कॉर्नर का भी क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और इधर का ना मेरे को थोड़े से हाई प्रेशर से करना पड़ेगा साफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा है भाई, ये बहुत ज्यादा गंदा है, इसको थोड़ा सा हाई प्रेशर लगेगा। चलो ये हो गया डन, इधर का हो गया, बस ये कॉर्नर वॉर्नर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी मार के नहीं है। अब चालू करते हैं हम यहाँ का काम भाई साहब, इसमें अपने को बहुत टाइम लगने वाला है। एक काम करता हूँ मैं, पहले ना
ये जो कॉर्नर का है ना एरिया, ये वाला पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है, ताकि अपने मेडल से ना एकदम अच्छे से काम कर सके। ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना वरना चीज़ें छूट जाएगी। और इधर आने के बाद भाई इधर भी दीवारें छूट गई है, मतलब कितना काम करना है अपने को। एक 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 सेक्शन क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक साथ मिक्स पूरा काम करेंगे, हम ही परेशान हो जाएंगे। और ये कुत्ते का घर बस ऑलमोस्ट होने पर ही है, सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंट बचा हुआ है। क्या अंदर कुत्ता रहता है नहीं रहता है? मेरे को तो नहीं लगता कुत्ता रहता होगा। कुत्ता रहता तो उसका पानी के प्रेशर से बुरा हाल हो जाता। और टिंग की आवाज मेरे को अभी तक आई नहीं, ये पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ। रुक जाओ, अब भी टिक करके देता हूँ, अब भी टिक करके देता हूँ। टिंग वाली जब तक आवाज आए ना, जब तक दिल को नहीं लगता। और यस, वो टिंग वाली आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ये कॉर्नर पे ना बहुत ज्यादा जिद्दी दाग धब्बे है। अब यस, अब हुआ ये पूरा 100% क्लियर। फिर भी अपने को दिखा रहा है वो क्लियर हुआ है, मगर इधर ना गंदगी दिख ही रही है। अब आइए पूरी तरीके से साफ। चलो अब वापस से चालू करते हैं हम काम करना। और प्रेशर को मैं बढ़ा दूं या फिर ये ही रहने दूं? इतनी दूर से हम क्या साफ नहीं कर सकते? नजदीकी जाना पड़ेगा। भाई वाह, चलो ये पूरा का पूरा कोने का पात मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अब हम एक लाइन में चलने वाले है, ताकि एक ही झटके में ना पूरा का पूरा साफ हो जाए। और रिटर्न में आते आते जो छूट जाएगा हमसे वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन छूट रही है, उसको एज इट इज रहने देते हैं पहले ये वाला। वैसे मैं क्रॉस जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब चेक करेंगे तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम क्रॉस आए, बस चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इधर चिपक के दीवार से हम काम नहीं कर सक रहे। थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही अपने को रहना पड़ रहा है। ओ भाई, इतनी देर हो गई, इतनी देर में बस ये इतना सेक्शन ही क्लियर हुआ है। अभी अभी ये दीवार बाकी, ये दोनों दीवार बाकी, ये पूरा ग्राउंड बाकी, उसके बाद में ये घर है। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, ये पूल को शायद से ज़्यादा देर लगेगी नहीं। लेदर का पूल है या फिर पत्थर है? खैर एक काम करते हैं, हम पहले एक लाइन में जा रहे थे ना, तो वो कैंसिल करके हम कुछ इस तरीके से साफ कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर सके। वो एक लाइन के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, और मैं यहाँ से खड़े खड़े ना एक साथ में ये पूरा का पूरा सेक्शन क्लियर कर रहा हूँ। A few moments later. तो भाई लोग, अभी मैं छतरी के ऊपर चढ़ चुका हूँ और ऑलमोस्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है। अगर चेक करेंगे 41% तो हमारा काम हो गया, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बची हुई है। ये दोनों की दोनों, दोनों नहीं तीनों वॉल बची हुई है। ये साइड का गार्डन का कुछ एरिया बचा हुआ है, बाकी यहाँ की चेयर वगैरह से लेके हर एक चीज मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। बस ये पाद बचा हुआ है, थोड़ा सा पूल बचा हुआ है, और यहाँ के खिलौने वगैरह, इधर साइड का भी सेक्शन है भाई, दोनों साइड के सेक्शन बचे हुए। बाकी ये तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है। थोड़ी सी स्पीड में और काफी ज्यादा बढ़ा रहा हूँ अपने काम की, ताकि फुल स्पीड से हम कर ले और जल्दी से यहाँ से पैसे लेकर। वैसे एक चीज़ तो अच्छी है कि इस गेम के अंदर ना अनलिमिटेड पानी है, वरना पानी का भी अगर अपने को ही लेके आना पड़ता तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिक्कत हो जाती। और ये दीवारों को साफ करने में ना इतना ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, ये दीवारें बहुत ज़्यादा आसानी से साफ हो जा रही है। यस, ऊपर नीचे दोनों तीनों तरह से हमने क्लियर कर दिया, बस बचा है इधर का सेक्शन। और इधर का थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर बनेगा नहीं ना, दीवार के अंदर गैप है, तो शायद से पानी दीवार के आर पार निकल रहा है, शायद से क्या निकल ही रहा है। तो थोड़ा सा डबल डबल अपने को यहाँ पर हाथ घुमाना पड़ेगा, तब जाकर होगा, या फिर थोड़ा सा स्लो स्लो ही काम करना पड़ेगा यहाँ की जाली के लिए। और ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार इधर क्रॉस से चेक कर लिया, मगर टिंग वाली आवाज़ आई नहीं अभी तक। शायद से दोनों की दोनों कंप्लीट होने के बाद में आए, या फिर बैक साइड से भी इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आएगी ऐसा लग रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, इधर का तो हो गया पूरा का पूरा काम अपना, बस बचा है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही स्विमिंग पूल है। इस गेम का हमारा ये सिर्फ और सिर्फ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वॉशिंग का, और ये इतना बड़ा है, आगे के तो पता ही नहीं कितने ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। खैर कर लेंगे हम हर एक चीज़ कर लेंगे, बस तुम वीडियो को लाइक मार दो एक फटाक से। चलो आगे पीछे दोनों जगह से हमने इसको पूरा पूरा क्लियर कर दिया है, बस ये कॉलम बचा हुआ है शायद से, या फिर ना कॉलम नहीं बचा हुआ है, पूरा ही हमने क्लियर कर दिया है इधर साइड का। ओ भाई कितना सारा काम कर दिया हमने, बस अब है यहाँ पर ना काफी ज्यादा प्रेशर वाला काम। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, टिंग वाली आवाज आई नहीं है बीच के कॉलम से, फिर भी थोड़ा सा सा हाथ घुमा लेते, ये सब आई है आवाज। चलो खैर अब बढ़ते हैं इधर साइड की ओर। चलो स्विमिंग पूल भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बस स्टिंग वाली आवाज अभी तक आई नहीं है।
बैटिंग वाली आवाज आ जाए तो पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, कुछ ज्यादा नहीं आज हम सेटिस्फेक्शन ले रहे। वैसे अभी अपने को 2 स्टार मिल गए, $268 अभी तक हमने कमा लिए, उसके साथ में 59% हमने पूरा एरिया कंप्लीट कर लिया है, बस ये वाले कुछ पत्थर बचे हुए हैं। यार अभी तक टिंग वाली आवाज़ क्यों नहीं आई मेरे, तो वो समझ में नहीं आ रहा, आ जानी चाहिए इतनी देर में, क्योंकि अभी तक तो मेरे को नहीं दिख रहा कि कोई चीज़ मैंने छोड़ो ना भाई। इधर नीचे साइड में तो कितनी गंदगी है और है, चलो नीचे का भी क्लियर कर लेते हैं, इतना भी डिटेल में ना रहे तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पर किसकी नजर पड़ेगी भाई। खैर चलो हम तो भी ना पूरी ईमानदारी से काम करो। ओ भाई ओ, अब हुआ है ना क्लियर, अब हुआ है पूरा का पूरा। मैं वही तो सोचूं कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। खैर और यस, ऊपर का फ्लोर भी क्लियर हो चुका है, ऊपर का फ्लोर देख लो, यहाँ साइड का सेक्शन देख रहे हो कितना नया नया, और जैसे हम पलटेंगे यहाँ पर सीधा पूरा कूड़ा कचरा। चलो बस इधर का सेक्शन बचा है, बाकी हमने पूरे की पूरी सीढ़ियाँ भी साफ कर दी है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट गई, बस इधर साइड का बचा है सेक्शन, इधर का भी कंप्लीट करते हैं। और इधर साइड में तो अपने को बस ये बॉर्डर कंप्लीट करना है, बाकी और दिक्कत नहीं है। बाकी तो हमने ऊपर से ही खड़े खड़े मैंने ये पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया था, इधर का भी शायद से यस बस होने पे ही है। और इधर साइड में तो भाई पूरी की पूरी दीवार गंदी है, थोड़ा हाई प्रेशर से अभी मैं पानी मार रहा हूँ ताकि जितनी भी गंदगी चिपकी हुई है ना वो सारी की सारी साफ हो जाए। इधर का भी पूरी सीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये बचा है इधर साइड का सेक्शन, इधर का भी हो गया है, पूरा ही डन हो गया भाई। चलो मेरे को तो भी ऐसा लग रहा है ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमसे छूट ही जाएगी। खैर ये वाली दीवार से स्टार्ट करते हैं, ऊपर के पुल से नीचे का पुल ना ज़्यादा स्पीड में साफ हो रहा है, इधर बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा क्योंकि ये ओपन साइड से ना यहाँ पर एकदम स्पीड में काम हो रहा है, और मैं पानी का प्रेशर ना फुल तेज़ी से मार रहा हूँ भाई, एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे, फुल तेज़ी से जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा स्पीड से हम काम कर रहे हैं। पहले ऊपर का कंप्लीट कर लूँ उसके बाद सीधा हम नीचे उतर जाएंगे। ओ भाई साहब देख रहे हो यहाँ का हमने पूरा चमचमा दिया, बस बची है कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे कि ये वाला घर, ये झूला, ये गाड़ी और ये छोटा सा बारबेक्यू का। एक काम करते हैं बारबेक्यू से स्टार्ट करते हैं। अब हम हो चुके हैं कार वॉशिंग, सॉरी वॉशिंग के अंदर हम काफी ज्यादा प्रोफेशनल। कार तो क्या चीज है, हम इतना बड़ा गार्डन साफ कर दिया, कार तो बहुत छोटा चीज है भाई। चलो तो यहाँ का भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस बचा है ये वाला घर और ये वाली गाड़ी। पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ से अपना टूल, वैसे अपना नहीं है, हमने कहीं और से लाया क्योंकि इसके ऊपर अपने को खड़े रहकर अभी झूले के ऊपर का क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिख रहा है पूरा का पूरा। वैसे नीचे से ही मैंने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया था, बचा है दूसरा वाला सेक्शन। एक काम करता हूँ इसको उठाते है हम यहाँ से पीछे साइड में रखते है इधर साइड का। ओ भाई इधर का छूट गया था ना, अब ये घर वापस से रहने लायक हो चुका है, और अभी टूल को रहने देते और स्टार्ट करते है इधर से काम करना, जब टूल की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर का छत साफ करने के लिए। वैसे एक काम कर दो, पहले ना मैं ये छोटी सी गाड़ी को साफ कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी है तो 2 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और इसको क्या ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, ना कम प्रेशर में इसका काम हो रहा है, तो बस अब कुछ ही देर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें हर एक चीज़ को साफ करने के लिए, मतलब मेरे को अभी करीब करीब ना 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है इस सिर्फ और सिर्फ ये वाले मैप को कंप्लीट करने के लिए। 1 घंटे से मैं अभी तो ये घर धो रहा हूँ मगर ये कुछ कंप्लीट होने का नाम नहीं लेता। ओ भाई पीठ दुख रही है भाई। चलो भाई पूरा का पूरा घर कंप्लीट हो चुका है, बस बचा है सिर्फ और सिर्फ ऊपर का छत, ये लगाते है इधर से, ऊपर का भी 1 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। और इतने काम के अपने को $450 मिल रहा है, अच्छा खासा अमाउंट है वैसे, बस साफ सफाई तो करनी थी, ज्यादा अपने को टेंशन था नहीं। एक काम करता हूँ इधर से ना थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता हूँ, इधर का हो गया है क्लियर, एक बार पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं सारी चीजें सही। अब इसको उठाते है, इसको उठा कर रखते है इधर साइड में, आएगा वैसे टूल, यस चलो इधर आ गया। अब इधर से खड़े रह के इधर का साफ कर देते हैं, और यस पूरा हो चुका भाई, 98% काम हुआ है, 2% पता नहीं है अभी कौन सी चीज छूट गई है। ये वाला भी हो गया है 98% पर, अभी हम फंसे हुए हैं अभी मेरे को फिलहाल। ओ हो इधर क्या ये इतनी बड़ी चीज मैंने छोड़ दिया था, मेरे को ऐसे लगा पहले वो डिजाइन है, फिर भी खींचे के 99% पर हम आ चुके हैं 100% पर। ओ भाई 100% पर जाने के लिए अपने को थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा, बाकी तो पूरा चेक कर लिया मैंने, बाकी और मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट हम 99% पर है,
खैर चलता है, 1% से कुछ नहीं होता। और अपने को इसके मिले हैं $488 जो कि काफी ज्यादा बढ़िया अमाउंट है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो यहाँ पर बता रहा है स्विंग सोफा कुशन, ठीक है, स्विंग सोफा कुशन एक बार जाकर चेक करते, ये है स्विंग सोफा कुशन। और इधर तो मेरे को स्विंग सोफा कुशन का तो कुछ गंदगी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर हमने क्या कोई चीज छोड़ दी थी, यही तो है स्विंग सोफा कुशन, इसका तो हमने हर एक चीज कंप्लीट कर ली। रुक जाओ मैं ना थोड़ा सा प्रेशर से, और ये कॉर्नर, यस ये हुआ है डॉग हाउस टू डू। ये क्या है, रिटेनिंग वॉल फ्लावर बेड एजिंग डॉग हाउस रूफ। डॉग हाउस रूफ कितनी बार कराओगे डॉग हाउस रूफ, शायद से मेरे को दूसरी मशीन परचेस करने के बाद इसे साफ करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हमने 99% तो कंप्लीट कर दिया है। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतने रखते, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आयो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस, बढ़िया बढ़िया सीरीज, बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।